तेरे दर ते सवाली आया, तेरे दर ते सवाली आया जी, खैर पा दे बंदगी दा, खैर पा दे बंदगी दा। मेरा सदियां तो मन सदराया जी, खैर पा दे बंदगी दा, खैर पा दे बंदगी दा। यादा तेरियां च दिल नशे आया जी, खैर पा दे बंदगी दा, खैर पा दे बंदगी दा। तेरे दर ते सवाली आया जी, खैर पा दे बंदगी दा, खैर पा दे बंदगी दा, खैर पा दे बंदगी दा। तेरे दर ते सवाली आया जी, खैर पा दे बंदगी दा। श्रोमणी भगत बाबा फरीद जी ने भी अकाल पुरख खुदा अल्लाह के चरणों में यही मंग की सी, शेख फरीद है खैर दीजे बंदगी, ऐ अल्लाह खुदा कृपा करके मेरी झोली में बंदगी की दात, बंदगी की खैर पा दिओ। बंदगी तो बिना, रब के नाम तो बिना, सिमरन तो बिना प्यारे दुनिया से होर कोई ऐसी महंगी वस्तु मंगण वाली ऐसी चीज़ नहीं। हजूर का वचन है, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। ऐ प्रभु तेरे नाम सिमरन दे नाल ही साड़ियां दुखां ते भुखां सारियां दूर होणगियां। सतगुरां दी पावन पवित्र हाजरी अंदर ढाडी जथा अरदास बेनती कर रहा, आप संगतां ने प्यार सहित सरवण कीता है। आओ सरबत संगत, मेरे मान योग वीर बजुर्ग बाबे, छोटे छोटे बच्चे, मातावां बीबियां भैणां,
सावधान हो के सतगुरां दे चरणां विच सज के बैठीए। गुरु पातशाह महाराज जी दे लंगर भंडारे भी संगतां विच वरत रहे ने। जदों कोई प्रसाद वरतदा है प्यारिओ, कलयुग भी छकण वास्ते आउंदा है। जदों रौला पवे समझ लैणा उदों कलयुग आ गया, पर कलयुग नूं आउण नहीं देणा। सारियां संगतां ने प्रेम सहित चौंकड़े ला के समाधे ला के गुरु जस बंदगी सरवण करना है। आओ, कुछ भी कहण तों पहलां सतगुरां दे दर्शन दारियां दी खुशी विच ढाडी जत्थे वल्लों फतेह हाजर है। कोई भी रसना वांझी ना रह जाए जिहड़ी रसना तों दो वारी वाहिगुरु दा जाप ना हो सके। मेरे कलगीधर पातशाह महाराज जी दे पावन बचन पावन हुक्म ने, आगै आवत सिंह जो पावै वाहिगुरु जी की फतेह बुलावै। सारियां संगतां दोनों हथ जोड़ के सावधान हो के रात दे दीवान अंदर गुरु चरणा विच हाजरी लवाईए। साडी हाजरी उदों लगदी है जदों सिख दे हिरदे विच परमात्मा दा नाम आउंदा है, वाहिगुरु सिमरन आउंदा है। गुरु फतेह दे सिमरन दे नाल दो वारी वाहिगुरु दा जाप हो जाएगा। सारियां संगतां प्यार नाल इक्के वार कहण ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेण दे महावाक अनुसार सतगुर दे पातशाह दी नदरे रहमत होई। हजूर नाभ कवल राजा साहब रब वल्लों भेजे हुए महान आत्मा अपना रूप दे के अकाल पुरख ने दुनिया ते भेजिया। दुनिया दे लोकां दा पार उतारा करदिआं करदिआं अकाल परमात्मा दा प्रभु दा हुक्म आया, ज्योति संग जोत समा गए। उन्हां दे सचखंड प्याना करन दा अज दिवस, उन्हां दी सलाना जात सलाना बरसी दे संबंध अंदर अमृत वेले महानगर कीर्तन आरंभ होया है। सच्चे पातशाह दीआं नदरे रहमतां होईआं ने। साध संगत नगर कीर्तन दे विच भी हजारां संगतां ने शमूलीयत कीती है, बड़ियां खुशियां प्राप्त कीतियां ने। राते दीवान सजे ने, बहुत दूर तक गुरु कीआं संगतां चौंकड़े ला के समाधा ला के ठाठा मारदा होया गुरु पंथ खालसे दा इकट्ठ राते दीवान विच नज़र आ रहा है। आओ सारियां संगतां अपनी अपनी हाजरियां गुरदेव दे चरणां विच लवाउणियां। साढ़े तों पहलां सेवा करन वाला पंथ दा महान विद्वान कवीशर जथा, जे कह लिए दर्शनी जथा है, कलगियां वाले पातशाह दा त्यार बरत्यार जथा है, सत्कारयोग वड्डे भाई ज्ञानी महल सिंह जी चंडीगढ़ वाले, जिन्हां दे नाल उन्हां दे प्यारे बेटे प्यो पुत्रां दा कवीशर जथा स्टेज तों साडे तों पहलों हाजरी भर के गया है। कवीशरां दा प्यारिओ दुनिया ते कोई घाटा नहीं, बेअंत सारे जथे दुनिया ते विच रहे ने, पर इत्थे जीवन दा मुल पैंदा है। गुरु दे चरणां अंदर उच्चे ते सुचे जीवन दे मालक ने ओह गुरु प्यारे। साध संगत छामां दा आण के उतारा कीता है, उन्हां कोई दुनियावी गल्लां नहीं कीतियां, दास ने दर्शन कीते है सचखंड हरिमंदर जिथे सतगुरां दी बाणी दे प्रवाह चल रहे ने। अखंड पाठ साहिब अस्थान है, साध संगत उत्थे चौंकड़े ला के तिन्ने प्यो पुत्र बैठे सन ते सतगुरां दी बाणी दा जाप कर रहे सन। सो ऐसे जथे ने संगतां दी सेवा कीती है। गुरु दे चरणां च अरदास है पाछा आउण वाला समां वी त्यार बरत्यार रखना, अपने चरणा कमलां दा प्यार बख्शिश करना। कवीशर जथा ज्ञानी महल सिंह जी चंडीगढ़ वाले वड्डे वीर, उन्हां वल्लों 100 रुपया बतौरा इनाम अपने ढाडी जथे दे मन विच भेजिआ है। धन्नवादी हाँ, कदर करदे हाँ। सतगुरु जी कृपा करन आउण वाला समां चरणा नाल जोड़ के रखण। साढ़े बहुत ही आदरणीय सत्कारयोग ज्ञानी गुरदेव सिंह जी दर्द, बहुत ही हरमन प्यारे आप राइटर ने, लिखारी ने, उन्हां दे दिल विच पंथ दा गुरु दा बड़ा ठाठा मारदा प्यार है। दस के गए ने कि ग्रीस तो उन्होंने सपुत्र बलहार सिंह ने चेचे तौर पर साढ़े ढाडी जथे वास्ते बेअंत सारी माया भेजी है। वो अरदास करा के गए ने सतगुरु देश विदेश अपने बच्चों के सिर पर मेहर भरिया हथ रखण, चढ़दी कला हर प्रकार करके सहायता कर। आओ प्यारो, प्रचार घट करके ते कवितावां असी बेअंत सारियां कहनियां ने। समुची गुरु घर की प्रबंधक कमेटी का, सारे सेवादार वीरां दा भैणां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा अस्थान है गुरु घर रसोखाना, राजा साहब जी ने जिंदगी का लंबा हिस्सा इस पावन स्थान से सात संगत जी बतीत किया। हजूर के बचन ने 68 तीर्थ जय साध पग धरे, जिथे रब के प्यारे साधुओं के चरण पै जान वह धरती 68 तीर्थां के समान हो जाती है। जे कि अंदर दरबार के दर्शन किए भुखा लेंदियां ने, जे कि गुरु के लंगर में आईए तो इधर कोई अंत नहीं आ रहा। जे कि सात संगत अखंड पाठ साहबां दीआं लड़ियां चल रही ने, जिमें इंद्रापुरी के सारे देवते इस दर से आण के उतरे हुण गुरु के वजीर गुरु के ग्रंथी साहब हिंदुस्तान के कोने कोने तो पंजाब के कोने कोने उत्ते उत्थे लथे हुए ने। इको ही बाणा, इको जिहियां दस्तारां, इको जैसे चौंकड़े ला के बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दी बाणी पढ़ रहे ने। गुरु के लाल पता लगा प्रबंधकां दे कोलों 99 श्री अखंड पाठ साहिब जी अज आरंभ होए ने। 170 अखंड पाठ साहिबां दे साध संगत पहलों भोग पै चुके ने। बेअंत सारे होर भी अखंड पाठ साहिब, ये क्यों एडी कृपा हो रही है
क्योंकि राजा साहब जी की कीती हुई बंदगी का फल है। एक बार उन्होंने महापुरुषों की पावन कमाई का ध्यान धर के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरे बहुत ही आदरणीय प्यारे वड्डे वीर गुणा चौर वाले वीर देव खेला जी, जिन्हां उत्ते सतगुरां की कृपा है, राजा साहब जी के चरणों के भौरे सेवक ने। जदों कि मन बनता है गुरु की कृपा होंदी है, कलम उठाते हैं तो उन्होंने कलम ने राजा साहब के चरणों में बेनती की है। सचमुच स्टेज पर भी आन पहुंचे ने, बहुत सारा प्यार लैके हाजिर हुए ने। इस वीर देव खेला जी की कलम तो लिखी हो रचना जिहड़ी साध संगत कोई कुछ दिन पहलों नहीं, अज ही सानू हुणे हुणे ये कविता मिली है। तो मैं अपने साथी बच्चों का धन्यवाद करांगा जिन्होंने हुणे हुणे कविता पढ़ के गाउण वास्ते मन बनाया। देव खेला वीर जी की कलम तो लिखी हुई रचना, राजा साहब जी के चरणों में उन्होंने नतमस्तक होकर एक वंदना की है। ढाडी जत्था उन्होंने शब्दों को हे इं बेनती असी राजा जी द्वारे आए निमाणिया का मान रखियो तिल फुल शरदा ना आण के चढ़ाउंदियां गुण सब संगतां ने राजा जी दे गोंदियां तिल फुल शरदा ना आण के चढ़ाउंदियां कीती बंदना ए काले पल्ला पाए बंदना ए काले पल्ला पाए निमाणिया दा मान रखियो निमाणिया दा मान रखियो निमाणिया दा मान रखियो पिंड
समराई आण हाजरी लुआईए, कोई नहीं बेगाना खेले सारे भेण पाईए। राजा सेब कान कान च समाए, सेब कान कान च समाए, निमाणे आदी मान रखियो, निमाणे आदा मान रखियो, निमाणे आदा मान रखियो। असी राजा जी द्वारे आए, राजा जी द्वारे आए, निमाणे आदा मान रखियो, निमाणे आदा मान रखियो, निमाणे आदा मान रखियो। सतगुरदेव सचे पातशाह महाराज की बख्शी हुई दात है। सत संगत कोई शहर कोई रैटर कलम उठा के सतगुरां दी महिमा महापुरशां दी सिफत लिखदा है, ते सचमुच ओह कलम दे विच अकाल पुरख परमात्मा आप वसदा है। उहदी कृपा तो बिना कुछ लिखिया नहीं जांदा। देव खेला वीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़ा प्यार दिता है साडे वड्डे वीर ने। मेरे पातशाह जी होर रहमतां करन, उहनां दी कलम विच बरकत पाउण। इसे प्रकार राजा साहिब दी महिमा सदा लिखदे रहण ते असीं गाउंदे रहीए, बहुता बहुता उहनां दा धन्यवाद है। दिन दे दीवान विच वीर अरदास कीती सी नगर कीर्तन अंदर, कनेडा विच वसते ने राजा साहिब जी दे चरणां दे श्रद्धालु प्यारे सेवक। बिन बोलियां सब किस जानदा किस आगे कीती अरदास। अमेरिका दी धरती तो गुरु के सिख ने अरदास भेजी है। सत संगत 2200 रुपया 1100 रुपया दिन दे दीवान विच अरदास कीता सी, 1100 रुपया हुण प्रबंधकां दे पास सत संगत असीं हाजिर कर दिता है। सो साडे वीर ने मंग मंगी है सतगुरां दे चरणां विच, जिन्नियां भी संगतां बैठे हो रात्रि दे दीवान अंदर, कीती होई अरदास संगतां दी कीती होई अरदास मेरा परमात्मा सुन लैंदा, क्यों विच संगत हर प्रभ वसे जीओ। 2 सालां तों वीर ने कारोबार मेहनत बड़ी कीती है, पर मेहनत नूं फल नहीं लगा, कोई साध संगत बरकत नहीं है कमाई अंदर। राजा साहिब दे चरणां दा ध्यान धर के सिख ने दसां नौं दी किरत विचों इह माया दा गफ्फा माया दा खजाना भेजिआ है, ते सेवक ने मंग मंगी है राजा साहिब जी कृपा करो, मेहर करो, दया करो, कमाई विच बरकत पाओ, चढ़दियां कला बख्शो, ते आउंदे जोड़ मेलियां ते वध चढ़ के तगड़े हो के असीं सेवा तुहाडे जोड़ मेले ते कर सकीए। सारियां संगतां मोहर ला दिओ, प्यार नाल अरदास करो, आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सतगुरु नदरे रहमतां बख्शिशां कृपा करन, बहुता बहुता धन्नवाद। सत्कारयोग गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सेवादार प्रेजीडेंट सरदार चरण सिंह जी, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने प्राता वीर गुरदयाल सिंह जी विदेश तो आए जी, आया बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। वड्डे वीर सरदार बूटा सिंह जी जो साढ़े ढाडी जत्थे हुक्म लाने वास्ते गए, जिन्हें भी सज्जन नाल गए सन, सारे प्रबंधकों का सारे सेवादारों का असी अपने ढाडी जत्थे वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। हर जोड़ मेले ते साध संगत सेवा का मौका बख्श दिओ, प्यार देंदे हो, हजूर दे चरणा च अरदास करते हाँ। सच्चे पातशाह रहमतां करन, ए सेवक की ओढ़ कि निभी प्रीत, जिन्ना चिर जिंदगी है ढाडी जत्था गुरु चरणा का चौंकीदार है सेवादार है, इस तरह आप माण बख्शते रहना प्यार देंदे रहना। सारे प्रबंधक वीर सारे सेवादारा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। सतगुरु नदरे रहमत करन। मल्ला बेदियां तो आया होया राजा साहब जी के चरणों का सेवक परिवार, जिथे बेअंत सारे दीवान करन का मौका सानू मिलिया है। ये सारे नगर प्यारे भागां वाले ने, नगर हेड़िया, नगर झिंगड़ा, नगर रहपा, बल्लोवाल धरती, वो किड्डी भागां वाली जिथे राजा साहब जी ने जन्म लिया। मननहाणा राजा साहब जी का पिता पुरखी नगर है, गुणा चौर की धरती ये राजा साहब मजारा, किन्ने भागां वाले नगर ने। मेरे वड्डे वीर दस रहे सन शामी, बड़ा मैं खुशी हुई, कहन लगे भी साढ़े इंजन चलते ने ते इंजन पानी कढ़ते ने। मैं मेरा सिर चुकया, मैं क्या वीर जी ये तो राजा साहब की कृपा है, साढ़े तो माझे की धरती से समरसीबल बोर जोड़े वो भी साडा साथ छड़ गए ने, इंजन वाले पानी की कढ़ना, इतने सचमुच राजा साहब की मेहर उन्हों की कृपा बरस रही है। हजूर नदरे रहमतां बख्शिशां कृपा करन। एक ही पंक्ति सतगुरां दी बाणी दी बहुत है, हजूर अपनी बाणी विच कहिंदे ने, जो एक मन एक चित अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े। एक मन एक चित होके जिन्हां रब की बंदगी कीती सिमरन कीता उन्हां दी कमाई प्यारिओ, लखां दुनिया के लोग छकदे ने रब का शुक्र करदे ने। वह राजा साहब रब रूप महापुरुष महान आत्मा होए है, जिन्हां दीआं मिठियां ते प्यारियां यादां नूं अज आपां समर्पित हो रहे हाँ। घड़ी किसी का लिहाज नहीं करती, अज राजा साहब जी के सचखंड प्याना करन दा दिन आपां मना रहे हाँ, उन्हां दी बरसी है सत संगत आपां मना रहे हाँ। आओ वेले वेले का मंगल गाया जाए तो शोभनीक हुंदा है। सन 1939 का सत संगत जी दिन चढ़िया, जदों 1939 ईस्वी का दिन आया, रब दा भाणा राजा साहब जी इलाके दीआं संगतां नूं दर्शन ददारे दे के निहाल 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 कृतार्थ कर रहे ने, ते अचन चेती रब दा भाणा की वरत्या, राजा साहब जी ने अपनी महिमा की वरताई,
संगतां दे विच रौला रप्पा पैना आरंभ हो गया, संगतां दे विच साध संगत जी हिलजुल होनी आरंभ हो गई, संगतां एक दूजे के कन्ना के लागे मूँह कर दिया ने, एक दूजे नाल गल्लां कर दिया ने, केड़ियां केड़ियां गल्लां कर दिया ने, आओ तकिए जरा दिल के उत्ते हाथ रख के प्यार दे नाल सरवण करियो जे बैंत छंद दियां लैणा। राजा साहब जी ने गला वरताई मजारे की धरती इस इलाके दंगत जिमें एक दूजे के नाल गल्लां बरती बातां करनियां आरंभ कीतियां, की रौला पिया की सा संगत गल्लां चलियां उस मौके दे सीन नूं तुहाडा समराज दा ढाडी जथा हे इवों बेनती करदा वे। चौथे नूं इस प्रकार दियां घर घर अंदर गलियां बाजारां विच गल्लां होणियां आरंभ होईयां, एक दूजे नाल गल्लां की चल रही सन, सुनिया कि राजा साहब जी ने समा जाना है, राजा साहब जी सचखंड पधार जाणगे, तैयारा कर लिया है, पर साध संगत किसी का हौसला नहीं पै रहा। राजा साहब जी नूं कोई पुछ लवे ये की कारण है, रौला क्यों पिया, आवाजा किधरों आईया ने, पर साध संगत ऐसे बोल सुन के जिहड़े राजा साहब जी दे श्रद्धालु राजा साहब जी के चरणों के पौरे उन्होंने कालजी रुग भरिया जाता, उन्होंने नेत्रों के त्रिप त्रिप हंजू आ जाते, ऐसा सचिया सरकार समा जाएगियां, दुनिया को छड़ के चले जाएगियां, दुनिया सुन्नी हो जाएगी, साडा की हाल हो जाएगा। यह साध संगत गुरु प्यारियां दे मन के उत्ते भारी असर हो रहा है। साढ़े बहुत ही आदरणीय सत्कारयोग सैकटरी साहब भाई जोगिंद्र सिंह जी
मानजोग भाई दिलबाग सिंह जी, वीर बूटा सिंह जी, सारे वीर वालों प्यार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ सरदार जरनैल सिंह जी हेड़िया जिथे बेअंत सारे प्रोग्राम सेवा ढाडी जथा कर चुके हैं, बहुत सारा प्यार लैके आए हैं। धन्यवाद मेरे पातशाह महाराज जी कृपा करन। राजा साहब जी का रचया होया महान ग्रंथ अपनी उचारी हुई बाणी श्री भगवान बिलास जो साध संगत मिठी सुर विच गाईए, साढ़े भैन बीबी मनजीत कौर जी तलवंडी फत्तू वालियां बीबियां भैन जी हुणी स्टेज ते आए ने, बहुत सारा प्यार उन्हां वल्लों वी आया। असीं जी आया कहिंदे हाँ, धन्यवाद करदे हाँ सतगुरु जी होर कृपा करन, गुरु घर की सेवा का मान बख्शिश करन। जदों गुरु का सिख गुरु चरणा विचों मंगदा है ते सिख की अरदास है प्यारिओ सरबत दा भला, जिहड़ा सरबत दा भला मंगे उहदा अपना भी भला हो जाता है। एक बार सारियां संगतां रल के मंग लईए, साडा सारयां दा भला होएगा। सरबत माई भाई संगत प्यार नाल आखो जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। बेनती कर रहा सां 1949 ईस्वी का सत संगत जी साल बतीत हो गया, रब का भाणा 40 ईस्वी का दिन चढ़िया है। सत संगत सत सावण ऐतवार का दिन सी, अमृत वेले 4 बजे का समा है। सचियां सरकारां मौज बहार विच आईयां ने, राजा साहब जी ने आवाज़ मारी अपने छिछ अपने प्यारे भगत अपने चेले सेवादार भाई करतार सिंह नूं, करतारा असीं जा रहे हाँ। साध संगत ते सुन के करतार जी उन्हां दे कालजे नूं रुग भरिया गया, नेत्रां विचों हंजुआं दी शैबर लग गई, तरला लैके हाड़ा लैके रो के ताहा मार के कहन लगे, राजा साहब तुसीं तां जा रहे हो पर साडा आसरा तुहाडे तों मगरों की है, सानू किहदे लड़ ला के चले हो। कहिंदे जदों करतार सिंह जी होणा नूं बराग विच आया, राजा साहब ने तकिया ते लागले ही कमरे विच संत अवधूत जी महाराज बैठे सन। आख्या करतारा डोलना नहीं, घबराना नहीं, रब का भाणा मिठा करके मनना है, साडा रूप बैठे ने श्री अवधूत जी, साडे वर्गा प्यार उन्होंने कोलो मिलेगा, उन्होंने आग्या विच रहना, नशे की वरतों नहीं करनी, कोई कुताही नहीं करनी, रब के भाणे नूं मनना ते अकाल पुरख परमात्मा की बाबे नानक की बाणी रज के पढ़नी है। साध संगत ते करतार सिंह नूं हुक्म करके राजा साहब जी इन्हां पावन स्थानां तों उठे ते नगर दे विच माई जसी दे घरे जिथे राजा साहब जी का बेअंत सारा आना जाना, जिथे सतसंग हुंदा रहिंदा, कीर्तन चलता रहिंदा, बाणी दे गुरु के लंगरां दे प्रवाह दिन रात चलते रहिंदे, माई जसी दे घरे जाके उतारा किया। आवाज मारी है बल बल दी आवाज आई, साध संगत बीबी नंदी सरपट दौड़ी आई, बीबी नंदी ने दरवाजा खोलिया, राजा साहब के चरणा ते नतमस्तक होई नमस्कार कीती है। राजा साहब जी ने ख्याल प्रगटाया असी इशनान करांगे, इशनान कर लिया राजा साहब जी ने, साध संगत किहड़े कमरे में आसन लाइए, ओही कमरा राजा साहब जी ने साध संगत तक तैयार किया जिहड़े कमरे में रौनक रहिंदियां। राजा साहब जी भजन बंदगी सिमरन बहुता ज़्यादा समा उस कमरे के बतीत करते, हजूर पातशाह की कृपा हुई, घर के चढ़ते पासे वाले संगत कमरे के राजा साहब जी ने आसन ला दिता। एक दिन, दो दिन, चार दिन नहीं, कहिंदे ने 40 दिन पूरा 40 कटिया राजा साहब जी ने, प्रशादा पानी छकना बंद कर दिता, भोजन नहीं पाते, जल पानी नहीं छकते, जल पाणी आहार परमात्मा का सिमरन रब का नाम बंदगी दे विच उटे ने। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुगत को संत जपावे नाम, सिमरन ही अपना आहार बना लिया। जदों पूरे 40 दिन हो गए ना साध संगत, आओ तकी रब का हुक्म अमृत वेले का समा, राजा साहब जी कमरे विचों बाहर आए ते प्यार दे नाल पुछिया, जसीए सानू दस साडा थां साडा कमरा साड़ी जगह केड़ी है, सानू केड़ी जगह देनी है। ते माई जसी ने हाथ बन के आखा, राजा साहब एक घर बार ही तुहाडा, सारी कृपा तुहाडी है, जिथे मर्जी आसन ला दिओ। राजा साहब जी का होया हुक्म, साध संगत जी कमरे दे विच लेपन लग गया, पलंगा विछ गया। राजा साहब जी सचियां सरकारां हुण उस कमरे दे विच पलंगे दे उत्ते चिट्टी चादर लैके सवाए मान होईयां आसन ला दिते ते हुक्म होया, जसीए साडा हुक्म है, साडे हुक्म तो बिना बाहरों ताला नहीं खोलना, बाहरों ताला मार दे, चाबियां अपने खीसे विच पा लै। लो जी बाहरों बीबी जसी ने, माता जसी ने ताला ला के चाबियां खीसे विच पाईयां ने, अंदरों सचियां सरकारां राजा साहब ने कुंडा ला लिया ते चिट्टी चादर लैके उड़ के पलंगे ते सबाहे मान होए। एक दिन लंघ गया, दूजा दिन लंघ गया, अगे भी कई कई दिन राजा साहब किसी ना बोलते नहीं, कूंदे नहीं, इस तरह समा बतीत करते। संगतां विच हिलजुल होण लगी, हलचल मचण लगी, रिपे तो झिंगड़ा तो गुरु के प्यारे राजा साहब के श्रद्धालु चल के आ गए, भाई मियाँ सिंह, भाई चरण सिंह, भाई
भाई हरनाम सिंह वर्गे आ गए कहिंदे ने रल मिल के सारिया संगतां माई जसी नूं कहण लगियां मां जसी चाबी लिया ते ताला खोल। बीबी जसी ने हथ बन के जो राजा साहब का हुक्म सी वह सारिया संगत आईया हुई सुनाया मैनू मेरे राजा साहब का हुक्म है ताला नहीं खोलांगी सच्ची सरकार का जिवें हुक्म। माता जसी ने संगत पास बेनती की मेरे साथी बच्चों तो वड्डे वीर बलहार सिंह सोढ़ी कनेडा वाले उन्होंने कलम ने नक्शा खिंचया ते मेरे साथियों की जबानी हे इहो सुन Thank you.
जी हुक्म भुला के सेब दा किवें खोल दिया किवें खोल दे कमरे दा ताला हां जी हुक्म भुला के सेब दा किवें खोल दे कमरे दा ताला हां जी हुक्म भुला के सेब दा किवें खोल दे कमरे दा ताला हां जी हुक्म भुला के सेब दा बीबी जसी प्यार दे सरंगण विच रती हुई राजा साहब जी का हुक्म सिर मत्थे ते प्रवान करदी हुई संगतां नूं इनकार करदी है संगत जी मेरे वास्ता रोग नहीं मैं लगा होया बाहरों ताला कुंडा खोल दिया चाबी मेरे खीसे विच है पर मैनूं सच्ची सरकार राजा साहब का हुक्म है जसीए ताला ना खोली साडा तैनूं हुक्म है मन पवे स्वरूप का भी काला सच्चे पातशाह की बख्शी हुई दात जिस दिन यह प्रसंग साडी सोढ़ी साहब कनेडा की धरती से लिख रहा है ते सतगुरां दी बख्शी हुई दात साध संगत जी ज्ञानी मक्खन सिंह जी समरा मेरे मानयोग वड्डे वीर मेरे साथी बच्चों के पिता जी जिन्हां नूं रब ने पोतरे की दात बख्शिश की है उस बच्चे का नाम स्वरूप सिंह रख्या है ते उस बच्चे का नाम ही कविता विच तुसां ने सरवण किया मन पवे स्वरूप का भी काला सोढ़ी साहब ने राजा साहब की महिमा लिखी है हजूर सच्चे पातशाह कृपा करन उस पचंगी सिंह काका स्वरूप सिंह दियां भी लमेरियां लमेरियां उमर मेरे पातशाह महाराज जी करन माता पिता के आग्ञाकारी होण सोढ़ी साहब नूं सतगुरु होर बल बख्शण राजा साहब की महिमा के बेअंत सारे प्रसंग उन्होंने अपनी कलम बंद किए ऐं जापदा जिवें राजा साहब जी आप उन्हां दी कलम पकड़ के आप लिखाउंदे होण साहब हथ वड्याइयां जिस भावे तिस दे गुरु की किरपा किरपा तो बिना प्यारियों कुछ नहीं हुंदा आओ तकीए बीबी जसी तो उत्तर दे विच जवाब दे रही है ना कर रही है राजा साहब का हुक्म है मैं लगा होया ताला कदा चित नहीं खोलांगी मेरे सवास जांदे चले जान जिंदगी मुक जाए पर मैनू मेरे राजा जी का हुक्म है लगा होया ताला कदे खोल नहीं सकती पर सात संगत इधर संगतां बहबल होईयां सन इहो विछोड़ा सहया ना जाए रब का विछोड़ा कितने झलना सौखी बात है जे कितने गुरु का प्यारे का विछोड़ा विछोड़े का दुख पुछना हो धन गुरु अर्जन देव पातशाह तो पुछिए प्यारे साहब कहिंदे एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता हुण कद मिलिया प्रिया तुद भगवंता मोहे रहण ना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुरदरबारे जियो हों घोली जियो घोल घुमाई तिस सच्चे गुरदरबारे जियो प्यारे का विछोड़ा झलना बड़ा मुश्किल है बैबल विच विछोड़े दे विच साध संगत जी गुरु कीआं संगतां नेत्रां दे विचों कहरदे हंजू बरसारियां ने पर हुण सब तो वड्डा फार्मूला की है जदों किते गुरु हरगोबिंद पातशाह ग्वालियर दे किले विच साध संगत जी कैद सन ते बाबा बुढ़ा साहब जी बाहर ही बह के ढोलकी चिमटियां दे नाल कीर्तन करदे चौंकी भरदे हाजरी भरदे ए साहिबा तेरा विछोड़े दा दुख है सानू दर्शन दे हुण गुरु कीआं संगतां व्याकुल होईआं ने जिहड़े गुरु दे भौरे राजा साहब जी दा दर्शन करके जींदे ने राजा साहब दा दर्शन करके जल पाणी छकदे ने एडा लम्मा विछोड़ा 40 दिनां दा विछोड़ा 40 दिन हो गए ने संगतां नूं दर्शन कीतिआं ते अज राजा साहब जी तिन्नां दिनां तों सात संगत जी इस कमरे दे विच बंद ने बाहरों ताला लग्या होया अंदरों कुंडा लग्या होया राजा साहब दा हुक्म है ताला नहीं खोलना बीबी जसी तो इनकार सुन के फिर संगतां बहबल होईआं ने प्यार दे रंगण विच रतियां ने की होया कहिंदे ढोलकी चिमटे पकड़ के ते बाहर ही बरांडे विच आसन ला दिते जिथे राजा साहब जी दे अंदर दा ताला लगा होया सी बाहर संगतां बह के जिवें विछोड़े दे दुख विच कीर्तन करदियां ने उच्चियां सुरां उच्चियां धुनां ला के कीर्तन गाउंदियां ने बाणी गाउंदियां ने उहनां शब्दां नूं तुहाडा ढाडी जथा इहो बेनती करदा हृदय चौहाड़े पापा बिरहोरा के ला रही है
ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੇਬਲ ਹੋਈਆਂ कदों दरवाजा खुले ते राजा साहब जी दे दीदार होण प्यारे दा विछोड़ा झलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीन दिन हो गए ने राजा साहब जी ने अंदरों कुंडा लाया होया ते बाहरों ताला लग्या होया हजूर दे दर्शन दार नहीं हो रहे शरदालू प्यारे जिहड़े एक घड़ी जिउंदे नहीं दर्शना तो बिना साध संगत तो किवें विछोड़ा चल सकदे है।
नेत्र हंजुआं दे नाल सिंजे होए ने, त्रिप त्रिप अखां दे विचों जल जा रहा है। विराग दे विच गुरु कीआं संगतां बहबल होईआं ने। बाणी दा कीर्तन, बाणी दा कीर्तन, राजा साहब जी कीर्तन दे नाल बड़ा सत्कार बड़ा प्यार करदे सन। साध संगत कीर्तन सदा हुंदा रहिंदा, राजा साहब जी दे दर ते जय जयकारा हुंदियां रहिंदियां। जे किसे प्यारे श्रद्धालु दा मोर्चा वेर जांदा ते राजा साहब जी हुक्म करदे, प्यारिया अपने घर विच बाणी दा पाठ करवा, सहज पाठ करवाई, वेखी किते कल्ला बाबा भाई जी किते ग्रंथी साहब कल्ला बाणी ना पढ़दा रवे, लागे बह के बाणी सरवण करनी है ते ग्रंथी साहब दी रज के सेवा करनी है। जिन्नी ग्रंथी साहब दी सेवा करोगे वह श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दी सेवा होएगी। राजा साहब दा इतिहास उन्हां तो सिख्या सानू मिलदी है, साध संगत उन्हां दी किड्डी वड्डी देण है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी नदरे रहमतां बख्शिशां कृपा करन, कहिंदे जदों तीसरा दिन होया, 17 भादरों दा दिन आ गया, ते फिर हजूर जी दे छेछ प्यारे सब तो मोहरी सब तो प्यारे चेले श्री अवधूत महाराज उन्होंने वड्डा सारा हौसला किया। हौसला प्यारियों तो बिना प्यारे हुंदा नहीं। कहिंदे जदों गुरु अमरदास पातशाह बासर के गिल्ला एक कमरे में जाके बह गए, संगतां विछोड़े का दुख ना झल सकियां, तो बाहर लिख के लाया सी साडा कुंडा साडा दरवाजा कोई ना खोले, जिहड़ा दरवाजा खोलेगा उन्हूं गुरु नानक की सिक्खी प्राप्त नहीं होएगी। तो फिर साध संगत बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर नवा प्रोग्राम लिखा, दरवाजा असी नहीं खोलांगे, असी हुण सन लावांगे, पिछले पासों की कमरा पाड़ के सन लाई। अज उस सन नूं दुनिया के लोग श्री सन साहब गुरद्वारा दर्शन दारे करते हैं। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी के दर्शन होए। इस प्रकार ताला लगा होया, बीबी जसी ने आख्या मैं कदे नहीं खोलांगी, राजा साहब का हुक्म है। कि होया, एक अलमारी का साध संगत जी चगाठ दरवाजा अवधूत महाराज जी ने खेड़िया, दरवाजा पुट के जदों अंदर गए ताला नहीं खोलिया। की तकिया जदों चेहरे तो चादरा उतार के तकिया, हजूर दे बचन ने ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। अवधूत महाराज जी ने तकिया, राजा साहब जी उस अकाल पुरख परमात्मा विच अभेद हो गए। भावें बड़ी वड्डी समर्था सी, रोना नहीं घबराउणा नहीं डोलना नहीं, पर सतगुरां दी बाणी कहिंदी है जिस प्यारे सिउने हो तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार तां के पासे जीवना। साध संग जिन्हां दे प्यार होवे नाल उन्हां दे अगे मर जाना चाहीदा है। अवधूत महाराज जी दे कालजे नूं रुग भरिया गया, उच्ची सुर विच आवाज दे के आख्या दुनिया दे लोको बापू जी रहे नहीं, बापू जी चल गए ने, सचखंड चले गए ने। अज दे दिहाड़े जो ये पावन पवित्र दिहाड़ा मनाया जा रहा है, श्री नाभ कंवल राजा साहब जी ज्योति संग ज्योत समा गए, प्रभु विच लीन हो गए। उन्हां दी मिठियां ते प्यारियां यादां श्री अखंड पाठ साहब करवा के, जोड़ मेले करवा के, लंगर चला के अज गुरु कीआं संगतां लाहा लै रहे हो। यही बेनती है प्यारे, वध तो वध सतगुरां दी बाणी दा प्यार करो, बाणी पढ़ो, बाणी दा सत्कार करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह तो बिना साडा किते सिर ना झुके। ये राजा साहब जी दे हुक्म ने, उन्हां दी बरसी उन्हां दे जोड़ मेले मनाए हुए तां ही सफल होणगे जे उन्हां दा हुक्म असीं मन्नांगे। उन्हां दा हुक्म सी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा वध तो वध सत्कार करो। इस तों अगे जाण दा समां नहीं दित्ता होया, समां संपूर्ण हो गया है। अगला प्रोग्राम साडे प्रबंधक साहिबानां दे कोलों प्यार दे नाल साध संगत जी सरवण करना है। लल स्टूडियो, फ्रेंड स्टूडियो, सारे स्टूडियो वाले आए हुए वीरां दा बहुता बहुता धन्नवाद है। लल स्टूडियो वाले छोटे वीर बहादुर सिंह जी 100 रुपया इनाम दे गए ने, वड्डे वीर परशोत्तम सिंह जी लल उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद, समुची गुरु घर की प्रबंधक कमेटी का बहुता बहुता धन्नवाद, साडे दारा साउंड बंगा वाले प्यारे वीरां दा बहुता बहुता धन्नवाद है। साउंड दे नाल आनंद आ जाता है, तो साउंड चलाने वाले ड्राइवर साहब साडे प्यारे वीर बड़े अच्छे ने, बड़े प्यारे ने, साडा साथ देंदे ने, बहुता बहुता धन्नवाद। साडे तो उपरंत स्टेज ते बैठा पंथ का महान कवीशर जथा पंडित सोमनाथ जी रोडियां वाले मालवे वाले, साध संगत तो अपनी मिसाल आपने उन्हां वीरां नूं जी आया, बहुता बहुता धन्नवाद। ये ढाडी जथा समराए वालियां बीबियां दे नाम नाल जाणिया जांदा है, देश विदेश अंदर। दास बख्शीश सिंह संधू पिंड राणी वड़ाहा जिला श्री तरन तारण साहब, पंथ के उगे कवीशर वड्डे वीर भाई मखण सिंह जी समरा, उन्होंने बच्चे बीबी हरप्रीत कौर, बीबी जसप्रीत कौर, सरंगी वादक गुरजंट सिंह समरा, तीनों सके भैन भरा पिंड समराए नज़दीक जंडियाला मंजकी जिला जलंधर। छपया एड्रैस कार्ड किसी वीर नूं लोड़ है वो साढ़े तो प्राप्त कर लेना।
असी वदायगी चाहते हाँ। सो सात संगत अगे भी प्रोग्राम चल सो चलने बहुता बहुता धन्यवाद है समुची प्रबंधक कमेटी का जिन्हें समा दे के रब रूप संगतां दी रूबरू किया है। अगला प्रोग्राम सरवण करते हाँ। पीवो पहल खंडित हार होए जन्म सुहेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरतीला सतगुरां दी कलगीधर पातशाह दी नादी पुत्र बनीए इहो लोक सुखी है परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले फतेह दा वाजा ढिल्ला ना आवे। सारियां संगतां इक वार कहण ते गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।